विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। एहा सत जे निराहारी देही व्यक्ति विषय भोगरु निवृत्त होइ रहिथान्ते, किंतु जदि किछि भी वासना तांको भितर रहि जाइथाय ताहा परमात्मांको दर्शन लाभ द्वारा संपूर्ण निवृत्त होइ जाइथाय। बंधुगण, निराहार शरीर अर्थात जेतेबेले कोनोसी व्यक्तिर शरीर रे कोनोसी जिनिष प्रति भोग करिवार मन किंबा वासना रहि नथाय एवं सेई व्यक्ति परमात्मांको दर्शन प्राप्त करिवारे समर्थ होइथाय। एहा हेई पारे जे आमे संसार विषय रे रुचि न रखी थाउ, जहाद्वारा आमे संसार ठु दूरे तो होई जाई थाउ, किंतु संसार प्रति आसक्ति पूर्ण मात्रा रे जाई नथाय। अर्थात बंधुगण, मन भितरे थिबा इच्छा को मध्य निवृत्त करिवार अछि एवं आसक्ति को मध्य निवृत्त करिवार अछि, तेबे जाई आमे स्थिर बुद्धि कहि पारिबा। उदाहरण स्वरूप, जदि आपणक पाखरे पैसा नाही ओ केही आपणक गोटाए कोटी टंका प्रदान कला एवं आपण स्थिर बुद्धि हेबा कारणरु से टंका को नेबा पई मना करि, किंतु परे आपणक मन भितरे कोठी ना कोठी से गोटाए कोटी टंका विषय रे चिंताधारा चालू अछि, अतएव एही अवस्था रे भी आपण स्थिर बुद्धि होई परिबे नाही। स्थिर बुद्धि हेबा पई आपणंकु निज मनरु ही सेई कोटिए टंका ओ मन भितर तार चिंताधारा रो भी मध्य कोटिए टंकार त्याग करिबाकु पड़िबो। शिक्षा, परमात्मांको प्राप्ति पई शरीर भितर आत्मा इंद्रिय मानंकु भौतिक उपभोग पई सीमित रखिबारे अभ्यास करिथाय। टू गेट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड द एम्बॉडीड सोल मे प्रैक्टिस टू रेस्ट्रिक्ट हिज सेंसेस फ्रॉम एंजॉयिंग द सेंस ऑब्जेक्ट्स। हरे कृष्ण।